आज हमारे सामने लगी हुई है GT 650 2024 मॉडल। आज हम लोग करने वाले हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू और 2024 मॉडल में आपको क्या क्या मिलता है देखने को सब आपको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है 2024 इसी मंथ का, अभी इसका परचेज किया अभी 3-4 दिन ही हो रहा है। तो और ये बाइक आप जो सामने देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंटल में सबसे टॉप वेरिएंट है, सबसे प्रीमियम कलर है, जिसको मिस्टर क्लीन या फिर क्रोम कलर भी बोल सकते हैं आप। ये इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है ये टॉप वेरिएंट के होने की वजह से, प्राइस आपको लास्ट में हम बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर के बारे में, तो इस कलर को आप भली भांति जानते होंगे, ये है मिस्टर क्लीन जिसको आप क्रोम कलर भी बोल सकते हैं। इसमें जैसा कि रॉयल एनफील्ड का कोई भी बाइक आता है उसमें प्लास्टिक का बहुत कम यूज किया जाता है, तो इसमें प्लास्टिक का बहुत ही रेयर ही कहीं कहीं आपको यूज देखने को मिल जाएगा, बाकी सब मेटल ही है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है ये बाइक और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, और रॉयल एनफील्ड का सबसे टॉप वेरिएंट बाइक है जो कि इनलाइन 2 है। यहाँ पे सामने देख भी सकते हैं GT 650 ट्विन लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही हमको लोगो लगता है इस बाइक का, और ये बाइक एक कैफे रेसर बाइक है, तो इसका लुक कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। और आपको दिखा भी देते हैं कैसे बैठने के बाद आपको लुक लगे, देख सकते हैं इसे बैठेगा तो इस तरह कुछ लुक मिलेगा आपको, देख सकते हैं भाई बैठे इस पर। तो सबसे पहले हम लोग इसका सुनते हैं आवाज़ साउंड इनलाइन 2 का कैसा साउंड है, तो उसके लिए गाड़ी को न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो ये आप इसका साउंड जो सुन रहे हैं आइडियल साउंड है। देखिए एक यहाँ पे साइलेंसर है और एक यहाँ पे साइलेंसर है, इनलाइन 2 है इसीलिए 2 साइलेंसर है इसमें। कुछ ज़्यादा ही लाउड है और इसमें अगर एग्जॉस्ट लगवाते हैं तो और भी ज़्यादा लाउड हो जाएगा, और इसमें विसिल भी मारता है थोड़ा धीरे धीरे, आपको अगर सामने से होंगे तो आपको ज़्यादा फील होगा। चलिए अब हम लोग इसका करते हैं प्रॉपर रिव्यू। फ्रंट में आपको इस तरह का LED हेडलाइट देखने को मिल जाता है जिसमें हाइलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और ये हेडलाइट हमको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और आपको हिमालयन 450 में या फिर गरेला में बहुत सारे बाइकों में ये वाला आपको मिलता है देखने को, इसका विजिबिलिटी भी रात में बहुत अच्छा है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है ताकि डस्ट वस्ट ना जाए इसमें। और जो इसका फ्रंट टायर है वो आपको 100x90 18 इंच का देखने को मिल जाता है जो कि आपको ट्यूबलेस है, और ये आपको रेडियल टायर नहीं है, ये आपको नाइलॉन टायर देखने को मिल जाता है। पीछे वाला टायर आपको 130x70 18 इंच का देखने को मिल जाता है जो कि ये आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाता है, और आगे वाला नाइलॉन थोड़ा टायर और वाइड किया जा सकता था बाकी ठीक है। बाइक में आपको 320mm का फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं, और ये बाइक 650cc का इनलाइन 2 सिलेंडर का बाइक है तो ये काफ़ी पावरफुल बाइक है, इसलिए ब्रेकिंग भी इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार है क्योंकि 320mm काफ़ी बड़ा ह्यूज ब्रेकिंग है। और पीछे में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, इसमें भी बाइब्री के ही ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। रियर सस्पेंशन जो है वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है, आप इसको अपने यूज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रियर में आपको यहाँ पे टेल लाइट कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हाइलोजन वाला इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, और टेल लाइट भी हाइलोजन में ही आपको देखने को मिल जाता है। और ये पीछे का मडगार्ड है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे साइड में आपको सारी गाड़ी इतना बड़ा देखने को मिल जाता है, और ये डबल साइलेंसर के साथ आता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये बाइक आपको स्पोक व्हील्स के साथ आता है, जैसा कि इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं जैसे कि एलॉय व्हील्स भी आ गया है अब, लेकिन ये टॉप वेरिएंट है और ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट करता है, तो इसमें आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाता है, स्प्लिट सीट नहीं मिलता है देख सकते हैं, और काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट है इसका, काफी ज्यादा मतलब बड़ा सीट है, आप इस पे ट्रिपल लोडिंग में बैठना चाहे तो आराम से बैठ सकते हैं, बाकी ट्रिपल लोडिंग के लिए नहीं बना है। और इस बाइक का सीट हाइट 804mm आपको देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 174mm देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा तो नहीं है, कम है लेकिन ठीक है। बाइक में आपको 13.7 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी वाला टैंक देखने को मिल जाता है जो कि आपको माइलेज कंपनी क्लेम करता है 25 का अप्रॉक्स, और वो तो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से राइड करते हैं उसी के हिसाब से आपको माइलेज देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाता है, 2 फ्रेम में हैंडल बार है, यहाँ पे हजार्ड का स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इग्निशियन 3-in-1 ऑन ऑफ और इग्निशियन दोनों है, यहाँ पे आपको पासिंग अप डिप एंड इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न का स्विच भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको USB 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जितना इसको घुमाएंगे उतना ये एडजस्ट होगा, मतलब अपने फिंगर के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लच लीवर भी एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। मीटर आपको कुछ इस प्रकार का रेट्रो डिजाइन का देखने को मिल जाता है यहाँ पे राउंड शेप में, यहाँ पे RPM मीटर आपको यहाँ पे 9000 RPM तक शो करता है, यहाँ पे हजार्ड का ऑप्शन सिंबल शो करता है, ABS और ये इंजन लाइट और ये बैटरी और ये मतलब सर्विस लाइट, यहीं पे आपको छोटा सा एक मीटर में फ्यूल का भी ऑप्शन दिखा देता है, यहाँ पे आपको ट्रिप चेंज करने का ऑप्शन देता है यहाँ पे बटन पे बीच से, ट्रिप ए ट्रिप बी ऑडोमीटर कितना बाइक चला है,
मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्पीड आपको 200 दिखाता है, बाकी जाता तो 200 नहीं है, 160-170 आराम से चला जाता है। मिरर कुछ इस तरह के मिलते हैं आपको देखने को, काफ़ी अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं। हाई स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है बाइक में, जरा सा भी वाइब्रेशन नहीं, रिफाइंड बाइक, एकदम पूरा रिफाइनमेंट बाइक है। और इस बाइक में आपको स्लीपर असिस्ट क्लच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बाइक को इंजन ब्रेकिंग करने में हेल्प करता है। तो बात कर लेते हैं इसके मेन चीज़ के बारे में, इसके इंजन के बारे में, इसके हर्ट के बारे में। काफ़ी बड़ा आपको ह्यूज इंजन देखने को मिल जाता है। इसके इंजन में आपको 648 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एयर्ड एंड ऑयल्ड कूल्ड है। और इसमें मैक्स बीएचपी आपको मिलता है 47 बीएचपी, और मैक्स टॉर्क 52 एनएम का देखने को मिल जाता है। और ये बाइक आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, इसमें 6 गियर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि एक डाउन बाकी सब अप। और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो ये सबसे टॉप वेरियंट है। तो इसका मेन बात कर रहे थे इसके प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का प्राइस आपको हमारे बिहार में 4,30,000 पड़ता है, जो कि ये टॉप वेरिएंट का प्राइस है। अगर इससे छोटा वाला कम वाला वेरिएंट आप लेते हैं तो थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है। और ये आपको मिस्टर क्लीन, मतलब कि इस बाइक का कलर वाइज नाम बता रहे हैं आपको, क्रोम कलर भी बोल सकते हैं। तो बस ये इसका प्राइस है। और जीटी में जितने भी मॉडल आते हैं सबका अलग अलग प्राइस है। तो यही था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, टिल देन बाय बाय, जय सियाराम।